आज हम आदिकाल पर चर्चा करेंगे। नामांकन से संबंधित दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक कि आदिकाल के नामांकन पर विचार करते हुए आप इसे क्या नाम देना चाहेंगे, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। एक दूसरा हो सकता है आदिकाल के नामांकन पर विचार कीजिए, और एक तीसरा ये हो सकता है आदिकाल को वीर गाथा खाल कहना कहां तक समीचीन होगा, यानी क्या आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जा सकता है। अगर प्रश्न वीर गाथा से फोकस होगा तो हम पहले वीर गाथा का जो कंसेप्ट है रामचंद्र शुक्ल का, उसकी अवधारणा को सामने रखेंगे और उसके पक्ष में जो तर्क है उसको रखेंगे, और फिर उसके विपक्ष में जो तर्क है उसको रखेंगे, और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे कि अतः रामचंद्र शुक्ल के इस मत से सहमत नहीं हुआ आता है, इस संदर्भ में अन्य लेखकों ने आदिकाल को निम्न निम्न नाम से समाहित किया। तो उसमें आप उसको एक दो 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 लाइन में आप दे सकते हैं, और अंत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो आदिकाल का है उसको दे करके एंड कर देंगे। लेकिन जब यह पूछा जाए प्रश्न कि आदिकाल के नामांकन पर विचार करते हुए आप किस नामांकन को बेहतर मानते हैं या इसका क्या आप नाम देना चाहेंगे, तो आपको जॉर्ज ग्रियर्सन से स्टार्ट करते हुए क्रमबद्ध रूप से देना होगा, और उसमें रामचंद्र शुक्ल का भी, और लास्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी के आ करके आदिकाल को सेट करना होगा। और उसके बाद आपको ये कुछ और ले लीजिएगा, कुछ नए जो साहित्यकार हैं उन्होंने जो जो नाम दिया उसको एक एक लाइन में आप दे दीजिएगा, और फिर निष्कर्ष में कह दीजिएगा कि आदिकाल। तो इस चीज को हर एक प्रश्न पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन का जो सेंट्रिक फोर्स होता है, जो डिमांड वहां किया जाता है, तो जो एलिब्रेशन आपका होगा पहले उस पर ध्यान देंगे। जैसे मतलब नाम आदिकाल का नामांकन में जो तथ्य हैं वो प्रश्न की प्रकृति कुछ भी होगी वही तथ्य होंगे, लेकिन लिखने की शैली बदल जाएगी। अगर प्रश्न की प्रकृति चेंज होती है तो उसकी उसका स्वरूप स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप देखेंगे लिखेंगे तो परीक्षक को यानी वीक्षक को यह समझ में आएगा कि इसकी समझ बेहतर है और ये प्रश्न के अनुसार आंसर लिख रहा है, तारतम्यता के साथ लिख रहा है, रट के नहीं आया है, इसको प्रश्न की समझ है और इसको साहित्य की समझ है। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, इसको हर एक प्रश्न पर ये इस चीज को ध्यान में आप रखेंगे। अब आदिकाल के नामांकन पर विचार करेंगे तो सबसे जो पहला मत है वो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने इसको चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा है, और 643 एडी से 1300 एडी यानी 643 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच के काल को इन्होंने चारण काल कहा है। अगर हम ग्रियर्सन के इस मत से सहमत हो जाते हैं तो सभी धार्मिक साहित्य
और अमीर खुसरो की समन्वयवादी रचनाएं, फुटकल रचनाएं संपूर्णता से बाहर हो जाती है। विद्यापति की पदावली, ये सब साहित्य से बाहर हो जाती है, जिसकी लोक प्रसिद्धि भी थी और असंदिग्ध रचनाएं थी। एक और दोष है जॉर्ज ग्रेशन में, वो इसका कालक्रम 643 से निर्धारित करते हैं, परंतु 1000 ईस्वी तक की एक भी रचनाकार का वो नाम नहीं गिनाते। तो ये जॉर्ज ग्रेशन में दोष है। दूसरा इसका मत था, मिश्र बंधु ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद में इसे आरंभिक काल का है, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज बपन काल का है। ये जो दोनों नाम है, इससे किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है और एक समान सा नाम नजर आता है। एक तो इससे यह भी नहीं पता चलता है कि हिंदी साहित्य के जो प्रवृत्तियां आरंभ में स्टार्ट हुई वो आगे कंटिन्यू हुई, क्योंकि कई ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो बाद में अपने आप आई है। तो यह आरंभिक स्वरूप का बहुत ज्यादा इसमें व्याप्तता नजर नहीं आता है। तो मिश्र बंधु विनोद में जो आशा मिश्र बंधुओं ने कहा आरंभिक काल, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा बीज बपन काल, इससे भी सहमत नहीं हुआ सकता। इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया नाम वीर गाथा काल सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद है। रामचंद्र शुक्ल किसी भी काल के निर्धारण में प्रवृत्ति का जो आधार लेते हैं वो रचनाओं की प्रचुरता, किसी विशिष्ट प्रकार की रचनाओं की प्रचुरता और उसकी लोक प्रसिद्धि, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी रचना वह लोगों की चित्तवृत्ति या मनोवृत्ति के प्रकटीकरण से जुड़ा हुआ है। यानी रचना में चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति का प्रकटीकरण नहीं हो, उसकी लोक प्रसिद्धि नहीं हो, तो उसको साहित्य में नहीं गिनना चाहिए। और प्रचुरता थी, इसके लिए उन्होंने 12 ग्रंथों की सूची रखी, और इन 12 ग्रंथों में बताया कि इसमें से 9 वीर गाथात्मक है और 3 अन्य है, और 3 के मुकाबले 9 की प्रचुरता लोकतांत्रिक परंपरा की मान्यता को पुष्ट करता है, इसलिए इसको वीर गाथा काल करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने जागनिक के परमाल रासों के अल्हा रुदल खंड की लोक प्रसिद्धि की चर्चा को आधार बनाया। उनका कहना था ये तत्कालीन समय में भी जनता की चित्तवृत्ति और मनोवृत्ति से जुड़ा हुआ था, आगे भी जुड़ा और आज भी जुड़ा हुआ है, इस कारण इस काल को वीर गाथा काल कहना चाहिए। लेकिन अगर शुक्ल जी के आधार पर इसका आकलन करें तो सबसे पहले उन 12 ग्रंथों का आकलन करना पड़ेगा कि क्या
उससे वास्तविक वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो उनमें से जो 12 पुस्तक हैं, अधिकतर पुस्तक उसमें संदिग्ध है, कुछ महज सूचनात्मक है, कुछ पुस्तक काल दोष से ग्रसित है, कुछ पुस्तक की ऐतिहासिकता भ्रम जाल से भरी पड़ी है, और सुविधा का इस्तेमाल ऐसे भी उन्होंने किया कि वैसी रचनाएं जो उनको वीर गाथात्मक लगी, अगर वो प्रवृत्ति अभ्रंश या अभ्रंश की थी, जैसे हमीर रासो और विजय पाल रासो अभ्रंश की रचना थी, कृतिलता और कृतिपता का अवहट की रचना थी, प्रवृत्ति अभ्रंश की रचना थी, तो ये 4 पुस्तकें या तो अभ्रंश की है या प्रवृत्ति अभ्रंश की है, लेकिन उसमें उनको वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति लगी तो उनको उन्होंने साहित्य के अंदर कर लिया। लेकिन कई ऐसी पुस्तकें हैं जो वीर गाथात्मक नहीं थी उस काल की, उसको अभ्रंश करके साहित्य से बाहर कर दिया, यहां भी एक सुविधा का इस्तेमाल किया। दूसरा, उन्होंने सिद्धनाथ की चर्चा की है, लेकिन उसने इस संदर्भ में चर्चा की है कि सिद्धनाथ का महत्व इसलिए है कि उनसे प्रेरित हो करके कबीर जैसे रचनाकार भक्ति काल में लोग प्रसिद्ध हुए। यहां भी दोहरापन है, जिससे प्रेरित होकर के कोई प्रसिद्ध होगा और जिसको आप भक्ति काल का आधार मानते हैं, तो फिर उस जिससे उसने प्रेरणा लिया है तो उसकी रचना को कैसे आप साहित्य से बाहर कर सकते हैं। दूसरा, उस काल की सबसे असंदिग्ध रचनाएं धार्मिक रचनाएं थी, चाहे वो सिद्धोनाथों की रचना हो या जैनों की उपदेश मूलक रचना हो, वो असंदिग्ध रचना थी और उसको साहित्य से बाहर कर दिया। उनका कहना था इसमें इस लोक की बात नहीं है, सिर्फ उस लोक की बात है और इसलिए से साहित्य से बाहर कर दिया जाए। यहां भी दोहरापन है, एक तो जितनी भी धार्मिक रचनाएं थी वो असंदिग्ध थी और उसकी लोक प्रसिद्धि भी थी, खास के सिद्धोनाथों की रचनाओं की रचनाओं से आम लोगों का जुड़ाव बहुत ज्यादा था और उसमें आम लोगों की वाणी भी दी गई है। दूसरा, अगर धार्मिकता को अगर हम मुख्य प्रवृत्ति मान करके धार्मिकता सिर्फ उस लोक की बात करता है और उसको साहित्य से बाहर कर दिया जाए, तो उनके हिसाब से तो संपूर्ण भक्ति काल को ही साहित्य से बाहर करना पड़ेगा। तो यहां भी दोहरापन है, लेकिन अगर आप उन 12 पुस्तकों में से जिन 9 पुस्तकों को वीर गाथात्मक मानते हैं उसका अगर अवलोकन करेंगे तो आपको उसमें उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि वह महज सूचनात्मक थी, संदिग्ध थी और जो वीरता थी उनकी वह झूठी वीरता थी। उनकी वीरता राष्ट्र की रक्षा के लिए नहीं थी, उनकी वीरता लोगों की रक्षा के लिए नहीं थी, उनकी वीरता अहम तुष्टि के लिए या नारी लिप्सा या भोग लिप्सा के लिए था। वास्तविक में नारी लिप्सा और भोग लिप्सा की बलि वेदी पर जनता को चढ़ा दिया जाता था। जाकी कन्या सुंदर देखी ता धाय धरी तलवार। और अगर ये राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते तो भारत
मुट्ठी भर भगौरे शासकों के द्वारा पदाक्रांत नहीं होता। वास्तविक में ये भोगी राजा आपस में भोग विलास के लिए लड़ते रहे, अपनी शक्ति को कमजोर करते रहे और छोटे छोटे विदेशी आकांताओं ने भारत को रौंद दिया। अगर इनका जनता से जुड़ाव होता तो अगर 35,000 मोहम्मद गोरी की सेना थी और उस समय अगर जनसंख्या 5 करोड़ भी रही होगी, आप छोड़ दें 1 करोड़ भी रही होगी, तो 1 करोड़ अगर उंगली दबा देते तो चटनी हो जाती। लेकिन उस 35,000 सेना के द्वारा भारत के ही लोगों से सहयोग लेकर के पूरे भारत पर एक छत्र राज स्थापित किया, क्योंकि ये भोगी लोग अपने भोग विलास में न राष्ट्र की रक्षा के बारे में सोच रहे थे, न समाज कल्याण के बारे में सोच रहे थे। वैसे लोग जो कर्मण्य थे, जिनकी भुजाएं मजबूत थी, उसको समाज की मुख्यधारा से इन्हें बाहर कर रखा, उनको मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए बजा के आना पड़ता था। वो भोगी नहीं थे, वो कर्मठ लोग थे। अगर वो ठान लेते तो इन विदेशी आक्रांताओं को का भारत से नामोनिशान मिटा देते। लेकिन जंजीरों के लिए युद्ध नहीं किया जाता है। वो किस राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ेंगे जिस राष्ट्र ने उसे सीमा से बाहर रखा? वो किस समाज की रक्षा के लिए लड़ेंगे जिस समाज ने उन्हें अपने मुख्य द्वार से, मुख्य परिसर से बाहर रखा? वो किस धर्म की रक्षा के लिए करेंगे लड़ेंगे जिस धर्म के पालन करने पर उनकी जीवा काट दी जाती थी या मौत की घात उतार दिया जाता था? तो जंजीरों के लिए युद्ध नहीं किया जाता। तो इनकी वीरता झूठी वीरता थी और उस झूठी वीरता के आधार पर किसी काल की प्रवृत्ति का निर्धारण वीरगाथा काल करना भारतीय राष्ट्र के साथ अन्याय है। लेकिन हम इन 12 पुस्तकों का अवलोकन करें। अब अगर इन रचनाओं को देखें, 12 रचनाएं हैं, इसमें बीसल देव रासु ये सिंगालिक रचना थी, विद्यापति की पदावली और खुसरो की फुटकल रचनाएं। सुखी जी का कहना था इन तीनों को छोड़कर सारी रचनाएं वीरगाथात्मक थी। अब देखिए विजयपाल रासु हमीर रासु, जय मयंक जस चंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, ये 4 पुस्तक जो है ये मूल रूप से नहीं मिला है। विजयपाल रासो हमीर रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश मूल रूप से नहीं मिला है। इनका वर्णन राजस्थान की पुस्तक राठौर री ख्यात, यह राजस्थान का ऐतिहासिक पुस्तक है, सरकारी पुस्तक आप कह सकते हैं। राठौर री ख्यात में इन पुस्तकों का उल्लेख है, विजयपाल रासो, हमीर रासो, जय मैक जसचंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश मूल रूप से नहीं मिली है। अब इसमें देखिएगा विजयपाल रासो, इसके 42 छंद मिले हैं और हमीर रासो इसके 8 छंद मिले हैं। विजयपाल रासो के 42 छंद और हमीर रासो के 8 छंद। इस 42 छंद में वीरगाथात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके अलावा इस 8 छंद में, लेकिन बाकी छंदों में क्या लिखा गया? जब ये मूल पुस्तक प्राप्त नहीं हुई तो ये कैसे स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि ये रचनाएं वीर गाथात्मक थी? क्योंकि मूल रूप से तो मिली नहीं है। क्या सिर्फ इन छंदों के आधार पर ही निर्धारण करना संभव है? दूसरा,
इस 42 छंद में तोप का वर्णन है। विजय पादरासो में इस 42 छंद में तोप का वर्णन है। और आपको पता है तोप आया है 16वीं शताब्दी में, तोप आया 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी की रचना को कैसे आदिकाल में गिन लिया गया? दूसरा, हमीर रासो, ऐसा कोई राजा आज तक हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है। और यह हमीर जो है वो अमीर का अभ्रंशित रूप है, अभ्रंश है ये अमीर, इसका हमीर का अभ्रंश है, मूल रूप से मिली नहीं। अब आइए खुमान रासो। खुमान रासो के सबसे पहले इसके रचनाकार को लेकर द्वंद्व है, दूसरा इसके रचना काल के लेकर को लेकर के भी द्वंद्व है। कुछ इसे कहते हैं नौवीं शताब्दी की रचना है और कुछ एक से कहते हैं यह 17वीं शताब्दी की रचना है। वास्तविक में यह 17वीं शताब्दी के राणा राज सिंह के बारे में वर्णन है। तो फिर ये कैसे इसको आदिकाल में ले लिया जाए? कृति लता और कृति पताका, जैसा कि मैंने कहा कि ये पर्वतीय अपभ्रंश है और इसमें से भी कृति पताका मूल रूप से नहीं मिली है, ये कृति पताका मूल रूप से नहीं मिली है। अब आप गौर कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 रचनाएं मूल रूप से नहीं मिली है। इसके रचनाकार, इसके काल दोष कालक्रम को लेकर के एक संदिग्धता है, इसके कालक्रम को लेकर संदिग्धता है, ऐसा कोई राजा नहीं हुआ है। तो लगभग अधिकतर रचनाएं जो विकासात्मक उनको नजर आ रही है, ये भी इसका मूल पुस्तक नहीं मिला है, इसका भी चर्चा सिर्फ राठौर ही ख्यात में है कि यह विकासात्मक रचनाएं हैं, बस इसी तरीके से छेपक लिखा हुआ है। और इसके आधार पर शुक्ल जी कह दिए कि विकासात्मक रचना है। और उस काल की जो सबसे प्रमुख रचना थी पृथ्वीराज रासो, यह ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे भ्रमित रचना है। इसमें जो लिखा गया है उसका कहीं से मेल नहीं खाता है। आपको ये लग जाएगा कि रचना में कल्पना का ज्यादा इस्तेमाल किया गया, हालांकि ये मैं मानता हूं कि साहित्य में कल्पनाओं का समावेशन आवश्यक होता है। और अगर इसकी साहित्यिकता के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, अगर इसमें कल्पना के पुट को देख सकते हैं, तब तो ये सही है। लेकिन अगर इस रचना की असंदिग्धता की बात है कि रचना में जो वर्णन है वो असंदिग्ध है, वैसा नहीं है। देखिए, पहला इसके रचनाकार चंद्रबरदाई, वो लाहौर के रहने वाले थे और वो अपने आप को बाल सखा मानता है पृथ्वीराज चौहान का, लाहौर का रहने वाला राजस्थानी का बाल सखा। उसी तरह संयोगता से जो प्रेम है वो दर्शाया जाता है बचपन का। उसके बाद कैमास का वध और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गोरी की हत्या, इतिहास में कहीं नहीं चर्चा है। और वैसे भी 1192 में पृथ्वीराज चौहान की को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि 1206 ईस्वी में
खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई थी। तो मोहम्मद गोरी की शब्द वेदी वान से की गई हत्या का प्रसंग झूठा है। इस संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नामकरण आदिकाल ही सर्वमान्य लगता है। वैसे भी कालक्रम के आधार पर शुक्ल जी भी इसका निर्धारण आदिकाल ही करते हैं। निश्चित आदिम काल से किसी प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है और शायद आदिमता का भी बोध होता है, परंतु इससे यह जरूर पता चलता है कि आदि काल हिंदी साहित्य का की शुरुआत है और कुछ प्रवृत्तियां जो आदिकाल में दी गई वो आगे चल करके हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों में अपना स्थान बनाए रख सके। और वैसे भी अगर किसी इतने बड़े कालखंड में किसी एक प्रवृत्ति का निर्धारण संभव न हो तो आदिकाल कहना ही उचित है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के बाद कई लेखकों ने अपना अपना मत रखा। रामकुमार वर्मा ने जॉर्ज ग्रियर्सन की तरह इसे संधि चारण काल कहा। उसी तरह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर गाथा काल कहा। बच्चन सिंह ने इसे अभ्रंश जातीय काल कहा और राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंती काल कहा। लेकिन इन रचनाओं से भी एक तो संपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है और वैसे भी नामांकन में ऐसा देखा गया है या तो लोगों ने शुक्ल जी का समर्थन किया है या विरोध किया है। अगर कुछ व्यवस्थित किया है तो वह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही किया है। संपूर्णता से देखेंगे तो निश्चित वीर गाथात्मक रचनाओं की प्रचुरता थी, लेकिन उसके साथ साथ सर्वसमावेशी प्रवृत्ति की सिंगारिक प्रवृत्ति भी बहुतायास थी और आध्यात्मिक रचनाओं विशेषकर सिद्धोनाथों के द्वारा रची गई रचनाओं से जनता का जुड़ाव बहुत ज्यादा था और अमित खुसरो की जनवादी रचनाएं, समन्वयवादी रचनाएं, जिसमें यह एक इस काल का एकमात्र रचना थी जिसमें जनसमान का चित्रण था। अगर साहित्य को समाज का दर्पण मानते हैं तो अमित खुसरो की रचना वीरगाथात्मक प्रवृत्ति को मान लेने से बाहर हो जाती है। इसलिए प्रवृत्ति का बोध न होने के बावजूद इस काल को आदिकाल नाम देना ही उचित है। धन्यवाद।